दोस्तों आज मैं आपको मिस्टान फूड्स लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में बताऊंगा और इस रिजल्ट की पूरी एनालिसिस भी करूंगा। ये कंपनी एच आई सी एस सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई और 2015 में इस कंपनी का नाम बदलकर मिस्टान फूड लिमिटेड कर दिया गया ये एक एग्रो प्रोडक्ट कंपनी है और ये फूड ग्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है प्रिलिमिनरी इनका फोकस ब्रांडेड बासमती राइस में है ये कंपनी बी में लिस्टेड है अब चलिए मैं इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में बताता हूँ इस कॉलम में क्वार्टर थ्री मतलब क्वार्टर एंडेड थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का फिगर है इस कॉलम में प्रीवियस क्वार्टर का और इस कॉलम में प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री का फिगर है इस कॉलम में मैंने करंट ईयर के क्वार्टर थ्री को प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर कर उसके परसेंटेज ग्रोथ के बारे में बताया है और इस कॉलम में मैंने करंट ईयर के क्वार्टर थ्री को प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री से कंपेयर कर परसेंटेज ग्रोथ को बताया है मैं हर क्वार्टर के फिगर के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूं आप उससे इस वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं मैं सिर्फ कंपेयर कर परसेंटेज ग्रोथ को बताऊंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखिए ईयर ऑन ईयर ये ट्वेंटी फाइव परसेंट बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये एटीन परसेंट बढ़ा है उसी तरह अगर हम लोग एबिटा को देखें एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन तो ईयर ऑन ईयर ये टू सिक्सटी नाइन परसेंट बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 19.4 परसेंट बढ़ा है उसी तरह हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसमें थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड वन परसेंट का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये लगभग ट्वेंटी फोर परसेंट बढ़ा है उसी तरह अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर इसमें थ्री थाउजेंड एट्टी परसेंट का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ट्वेंटी फोर परसेंट बढ़ा है इस क्वार्टर में इस कंपनी का ईपीएस सोलह पैसा है जो पिछले क्वार्टर में तेरह पैसा था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में तो ये एक पैसा था तो आप देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एबिटा, पीबीटी और पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों ही पर अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है अब चलिए हम लोग इस कंपनी के मार्जिन को भी स्टडी करते हैं कि इस कंपनी के मार्जिन में कैसा ग्रोथ हुआ है करंट क्वार्टर मतलब क्वार्टर थ्री में एबिटा का मार्जिन लगभग नौ परसेंट के आसपास है जो पिछले क्वार्टर में साढ़े आठ परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में ये तीन परसेंट के आसपास था तो आप देखिए ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर एबिटा के मार्जिन में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है अगर हम लोग पी के मार्जिन को देखें तो करंट क्वार्टर में ये आठ परसेंट के आसपास था जो पिछले क्वार्टर में सेवन पॉइंट फाइव परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में पॉइंट थ्री परसेंट था तो यहां भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही पर ग्रोथ हुआ है और पैट के मार्जिन को देखें तो करंट क्वार्टर में पैट का मार्जिन 5.5 परसेंट है जो पिछले क्वार्टर में 5.2 परसेंट था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर थ्री में यह पॉइंट टू परसेंट था तो यहां ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत अच्छा जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इंक्रीज हुआ है तो इस कंपनी का रिजल्ट रेवेन्यू और मार्जिन दोनों के ही फ्रंट पर मुझे काफी अच्छा लग रहा है यह कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस ट्वेंटी एट रुपीज टेन पैसा है और आज इस कंपनी के शेयर में लोअर सर्किट लगा है और यह पांच परसेंट नीचे बंद हुआ है अब यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्वार्टर थ्री के रिजल्ट पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इस शेयर ने पिछले एक महीने में फिफ्टी का रिटर्न दिया है और पिछले छह महीने में देखें तो इस शेयर ने 361 परसेंट का रिटर्न दिया है मेरी इस शेयर में कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें तभी इसमें इन्वेस्ट करें मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें धन्यवाद